हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रविंद्र है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे NFD सिस्टम यानी नॉन फील्ड डिटेक्टर के बारे में। हम बात करेंगे जो कि हमारा स्ट्रिप पैकिंग यानी जो LU लाइन है, स्ट्रिप पैकिंग मशीन है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारी जो असेंबली है या यूनिट है, ये है NFD नॉन फील्ड डिटेक्टर। तो फ्रेंड्स, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर NFD कैसे कार्य करता है, और इसके बाद हम जानेंगे कि आखिर इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिन्हें हम फील्ड करते हैं। फ्रेंड्स, तो इन सब को डिटेल से हम समझेंगे। फ्रेंड्स, इसके लिए हम चलते हैं अपने क्लासरूम की ओर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर NFD कैसे काम करता है। तो उसके लिए आपको मैं ऐसे डायग्राम से समझाता हूँ। फ्रेंड्स, जो NFD होता है, इसमें होता क्या है कि ऐसे हमारे ब्लेड्स कुछ रहते हैं और ये रहता है हमारा ब्यू, जिसमें कि हमारे टैबलेट्स आते हैं। अब फ्रेंड्स, ये इधर लोडेड होता है, मतलब इसका जो झुकाव वो टैबलेट पर प्रेस रहता है ये, और इधर होता है फ्रेंड्स सेंसर। अभी होगा क्या, अगर टैबलेट आएगा, एग्जांपल इधर आपका टैबलेट है, तो ये फोर्स लगेगा इधर, इधर जाएगा तो ये नीचे आएगा, और नीचे आके किसको टच करेगा, सेंसर को टच करेगा, यानी सेंसर की रेंज में आ जाएगा। अब ये सेंसर की रेंज में आ जाएगा तो सेंसर को आइडिया हो जाएगा कि इसमें टैबलेट है। अगर ये यहाँ प्रेस नहीं होता है, क्योंकि फ्रेंड्स प्रेस वो तभी होगा जब उसकी एकाएक बीच चेंज होगी, जैसे पहले वो ऐसा था, बाद में उसमें टैबलेट आया तो यहाँ से फोर्स लगेगा तो सीधा हो जाएगा, जब इधर सीधा होगा तो उसका जो सेकेंड सिरा है वो क्या होगा, सेंसर की सेंसिटिविटी एरिया में आ जाएगा, तो वहाँ से डिटेक्ट कर लेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया कि हमारा NFD कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, फिर भी अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर हमारे जो NFD हैं उसके कितने टाइप हैं। तो फ्रेंड्स, NFD सिस्टम जो है ना, उनके दो टाइप हैं। फर्स्ट है हमारा यूनिवर्सल सेंसिंग, सेकेंड हमारा है IR सेंसिंग। यानी ये दो टाइप में वर्क करता है, या तो IR सेंसिंग के थ्रू काम करेगा या फिर करेगा यूनिवर्सल सेंसिंग के थ्रू। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं NFD के पैरामीटर्स की, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी कि आखिर NFD में क्या क्या पैरामीटर्स हमें सेट करने रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, NFD में हमारा फर्स्ट है स्ट्रिप का लेंथ। स्ट्रिप का लेंथ हम इसमें क्या डालते हैं, एंटर स्ट्रिप लेंथ इन MM, हम स्ट्रिप की लेंथ जो है उसको MM में डालते हैं। सेकेंड हमारा था ट्विस्ट नंबर, ट्विस्ट नंबर इज कैम डिस्क। फ्रेंड्स, हमारी इस मशीन में जो कैम प्लेट होती है या कैम डिस्क होती है, हम उसको यहाँ सेट करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पैरामीटर आता है जो है ट्रैक नंबर। अब ट्रैक नंबर में हमें क्या एंटर करना है, स्ट्रिप पर कटिंग ऑपरेशन, यानी हमारा स्ट्रिप पर कटिंग क्या है ऑपरेशन का, वो हम यहाँ एंटर करेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सेंसर काउंट। अब सेंसर काउंट में क्या लोड करना है फ्रेंड्स, वो भी मैंने मेंटेन किया इसमें, वो है नंबर ऑफ टैबलेट टू बी सेंस, यानी कितने टैबलेट सेंस करना है, वो भी हमें सेंसर काउंट इसमें डालना पड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कॉलम पर ट्रैक। अब फ्रेंड्स, कॉलम पर ट्रैक में हमें क्या डालना, नंबर ऑफ सेंसर्स यूज्ड इन वन स्ट्रिप, एक स्ट्रिप को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कितने सेंसर्स को एक्टिवेट करना है, वो क्वांटिटी हमें इसमें एंटर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोलर या फीडिंग चैनल। तो फ्रेंड्स, रोलर या फीडिंग चैनल्स की जो है ना पैरामीटर्स, ये ऑटो लोडेड है, यानी ये ऑटोमेटिकली कवर कर लेती है मशीन, या स्कैन कर लेती है, या पैरामीटर अपडेटेड हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे NFD के कुछ पैरामीटर्स। फिर भी अगर उसमें कुछ आपको मिसिंग लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और इसके बारे में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि जो भी हमारे अपडेटेड न्यू वीडियोस हैं वो भी आपको मिल सकें। ओके, बाय।